आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी समारोह के तहत नगर निगम सदन में भारत रत्न एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई गई। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य पार्षदों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंत जी असहयोग आंदोलन साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंत महान देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क के धनी तथा लेखनी से भी सशक्त थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया था। इन्होंने पूरी कर्मठता, निष्पक्षता एवं देशभक्त के रूप में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में सफल छाप छोड़ी थी, जिससे प्रभावित होकर उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया एवं गृह मंत्री का दायित्व भी इन्हें सौंपा गया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, उसके सरकार के निर्देश पर नगर निगम ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती मनाई है। इस कार्यक्रम में हमारे नगर निगम के पार्षद, हमारे अधिकारी प्रमुख रूप से रहे हैं, हमारे एओ साहब ने दीनदयाल उपाध्याय प्रशासनिक भवन के अंदर गोविंद वल्लभ को भी जन शताब्दी पर, जन दिवस पर माला अर्पण किया है। गोविंद वल्लभ पंत देश के एक महान राजनेता, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त कर इन्होंने अपने क्षेत्र में वकालत शुरू की थी। काकोरी कांड के को जवानों को मुकदमे हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी ने निःशुल्क लड़े थे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार का जब गठन हुआ तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आपने शपथ ग्रहण किया और अच्छा प्रशासन दिया, जिससे इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें केंद्र में मंत्री बनाया और उन्होंने बहुत से अच्छे कार्यों के कारण देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ये हमारे पंत जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये सम्मान विशिष्ट लोगों को ही दिया जाता है। भारत सरकार ने दो बार इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था। ऐसे महान कानून के ज्ञाता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ कदमों से कदम मिला करके देश को आज़ाद करने में इनका सक्रिय सहयोग लिया। ऐसे महान विभूति की श्रद्धांजलि हम लोगों ने मनाई है और हम सभी बच्चों से कहेंगे, स्कूल के शिक्षकों से कहेंगे कि इसे जीवनी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बच्चों को इनके जीवन परिचय दिया जाना चाहिए, इस पर लेख आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे समाज के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। उन्हें माला अर्पण कर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, शुरुआत की है, ये श्रद्धांजलि चलती रहेगी और हमारे और भी जितने लोग हैं श्रद्धांजलि देंगे।